हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज़ बाय जुडिशियल ड्रीम। सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था, सो आई होप वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड फिर भी अगर आपको किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो यू आर फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली एंटरटेन दैम। सो आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट विद एन अनसाउंड पर्सन। ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि क्या है, साउंड माइंड का नहीं है। तो सबसे पहले फटाफट से सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, एंड द क्वेश्चन इज कौन सा सेक्शन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो ये बताता है दैट हु इज़ द कॉम्पिटेंट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी माने जाते हैं। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक सेकंड के अंदर फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर पोस्ट करेंगे फटाफट। फाइन, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो वी स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि साउंड माइंड किसे बोलते हैं, कि एक पर्सन साउंड माइंड का पर्सन है या नहीं, वो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अनसाउंडनेस किस किस रीजन के वजह से हो सकती है, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अनसाउंडनेस। फिर हम देखेंगे अगर किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका नेचर या उसका इफेक्ट क्या रहेगा। फिर हम देखेंगे ओनस ऑफ प्रूफ, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में केस प्रूफ करने का ओनस, या हम कहते हैं बर्डन लेमैन की लैंग्वेज में, वो किस पर होगा। एंड फाइनली द केस लॉस। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले ये वाला जो हमने चार्ट है ये हमने कल वाले सेशन में भी अपना पढ़ा था। तो जो सेक्शन नंबर 11 है, विच इज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, सेक्शन 11 हमारे पास क्या है, एक की सेक्शन है जो बताता है कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। सो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या है, मेजर है। हमने कल वाले सेशन में डील किया था कौन होता है मेजर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग किस एज पर हम बोलते हैं कि किसी पर्सन ने मेजॉरिटी की एज है, फटाफट से लिखेंगे सभी। इसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर साउंड माइंड पर्सन, एंड कल वाले लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम स्टार्ट करते हैं कि साउंड माइंड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन होता है। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन नंबर 12 है वो हमें बताता है कि साउंड माइंड क्या होता है। सो व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सो एक पर्सन को साउंड माइंड का पर्सन जब कहा जाता है जब वो दो टेस्ट पास करता है। पहला टेस्ट क्या है, कि जो भी उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको अंडरस्टैंड करे, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करे, अंडरस्टैंड करे, और एक रैशनल पर्सन के जैसे। दूसरा टेस्ट क्या है, एक रैशनल पर्सन की तरह ये जजमेंट दे सके कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उसके इंटरेस्ट में है या नहीं। तो ये चीज़ बताता है हमारा सेक्शन नंबर 12। सो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट, यानी कि जिस टाइम पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दो टेस्ट उसको पास करने होंगे, पहला अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरा रैशनल जजमेंट। फाइन, अब इसमें हमें दो चीज़ें और बताई गई हैं जिसमें हमें ये बताया गया है, चलिए हम इंक चेंज करते हैं सबसे पहले। अब हम बात करते हैं, ये दो पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनसे आपके पास एमसीक्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी एक केस फ्रेम कर दिया जाता है एंड जिस पर आपको अपना आंसर देना होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एकदम इनको आप अच्छे से फोकस करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्या बोलता है, दैट अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उसकी जनरल कंडीशन क्या है, अनसाउंडनेस की है, मतलब ना तो वो चीज़ को समझ सकता है ना ही उस पर रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है। बट ओकेजनली, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओकेजनली मतलब कभी कभी वो कैसा हो जाता है, साउंड माइंड का हो जाता है। सो वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ही मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो क्या बोला इसके अंदर,
अगर आप जनरली अनसाउंड माइंड के हैं, बट कभी कभी अगर आप इंटरवेल्स पे साउंड माइंड के हो जाते हैं, तो जब आप साउंड माइंड के हैं उस पॉइंट ऑफ पीरियड पे या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक कॉम्पिटेंट पार्टी हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटर किया है तो दैट विल बी वैलिड। अब सेकेंड हमें क्या इसका जस्ट उल्टा बताता है, क्या बताता है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड मतलब वैसे वो हमेशा सही रहता है, यूजुअली वो हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ के अगेंस्ट में उसका एक रैशनल जजमेंट रहता है, बट अगेन दैट ओकेजनली वो क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो वो कब इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जब भी नॉर्मल कोर्स में तो वो साउंड माइंड का है, पर कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो जिन इंस्टेंसेस में वो अनसाउंड माइंड का रहता है, अगर उस पीरियड के अंदर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। फाइन, जो सेकंड वाला है उसके लिए हम देख सकते हैं अपना इंटॉक्सिकेशन या ड्रंक स्टेज में जब होता है तो पूरे दिन तो वो साउंड माइंड का है, पर जब वो ड्रंक है उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग, ही कैन नॉट मेक अ रैशनल जजमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब तक उस ड्रंक होने का इफेक्ट उस पर रहेगा, तब तक अगर उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर भी दिया तो वो वॉइड होगा। फाइन, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 12 अच्छे से समझ आया होगा, ये साउंडनेस के केस के अंदर आपका की सेक्शन है। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंडनेस की। तो टाइप्स ऑफ अनसाउंडनेस मतलब क्या हुआ कि किस किस कंडीशन के अंदर एक अनसाउंडनेस की जो एक सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली इसमें आपके पास 3 फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास लुनेटिक, सेकेंड आता है इडियट, एंड थर्ड आता है ड्रंकर या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो लुनेटिक और इडियट में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को भी समझने की और दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लुनेटिक पर्सन कौन होता है। पर्सन हु इज मेंटली डिरेंज्ड ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और अदर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर क्या है, पर्सन किसी ऐसे, कभी कभी होता है ना, किसी ट्रॉमा की वजह से पर्सन कुछ सर्टेन पीरियड के अंदर जो उसका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो वो जो कंडीशन होती है वो आपकी कंडीशन होती है लुनेटिक की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ही सफर फ्रॉम इंटरमिटेंट इंटरवल्स ऑफ सैनिटी एंड इनसैनिटी। तो कुछ टाइम के लिए वो सेन हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए इनसैनिटी हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है इसके लिए आपका एक बेस्ट एग्जांपल रहता है जो फिट्स आते हैं, यानी कि किसी किसी को जब दौरे आते हैं तो वैसे वो रेगुलर कोर्स के अंदर फिट पर्सन है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो साउंड माइंड का है, बट जब उसको फिट्स आ रहे हैं तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर वो क्या है, अनसाउंड है या लुनेटिक है। तो लुनेटिक जो है बेसिकली वो एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कभी आप सेन हैं एंड कभी आप इनसेन हैं। पर जब हम बात करेंगे इडियट की, तो यहाँ क्या होता है, पर्सन हु हैज कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर, मतलब दिस इज परमानेंट। इडियट अगर है कोई तो मतलब वो फुली अनस्टेबल है, ही डज नॉट एग्जिबिट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन ऑर्डिनरी मैटर्स, उसे ऑर्डिनरी मैटर्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब वो कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। सो इडियोसी इज परमानेंट, तो यही मेजर डिफरेंस है, इडियट पर्सन की जो इंसैनिटी है वो परमानेंट है, वो हमेशा ही इनकेपेबल रहेगा, पर जो लुनेटिक है उसका क्या है, इंटरवेल्स है, जब वो सेन है तो वो कॉम्पिटेंट है, जब वो इनसेन है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, एंड फाइनली आता है हमारे पास ड्रंकन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो ये क्या होता है, बहुत ही टेम्पररी इनकैपेसिटी होती है, जब तक आप उस चीज़ के यानी कि उस नशे के, अगर आप उसका इफेक्ट आपके ऊपर अभी तक है तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन में नहीं है, वहाँ आप इनकॉम्पिटेंट पर्सन हैं। और जैसे ही वो नशा उतर जाएगा या उस ड्रंकननेस का आपका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप वापस से एक नॉर्मल पर्सन की तरह कॉम्पिटेंट हो जाएंगे टू कॉन्ट्रैक्ट। सो लुनेटिक, इडियट और ड्रंकन, इन तीनों के अंदर क्या क्या इफेक्ट रहते हैं वो आपको ध्यान रखना है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कोई अनसाउंड पर्सन है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका क्या नेचर होगा या क्या उसका इफेक्ट रहने वाला है। फाइन, सो
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या करता है, रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, माइनॉरिटी के केस में अगर किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट हुआ है तो वो तो वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है. बट यहाँ क्या है, हो सकता है कि अग्रीमेंट जब करा तब वो पर्सन साउंड माइंड का था, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट तक की स्टेज पे पहुंचा तो उससे पहले वो क्या हो गया, अनसाउंड हो गया. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब तक वो अग्रीमेंट था तब तक वो वैलिड था, पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो वॉइड हो गया. तो इसलिए हम इसमें वॉइड एब इनिशियो नहीं कहते, हम इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं कि वॉइड है, ठीक है. बिकॉज एन अनसाउंड पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 11 की सेक्शन है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है. अब जब हम पढ़ते हैं इनकॉम्पिटेंट पर्सन, तो इसके साथ यानी कि सेक्शन 11 के साथ आप हमेशा एक और सेक्शन लिंक करके चलेंगे, दैट इज योर सेक्शन नंबर 68. हमने कल वाले केस जो माइनर पढ़ा था उसमें भी हमने सेक्शन 68 डील किया था. सेक्शन 68 क्या बताता है कि जब भी कोई नेसेसिटी किसी भी इनकेपेबल पर्सन या इनकॉम्पिटेंट पर्सन को सप्लाई की जाती है तो जिस पर्सन ने वो सप्लाई करी है उस पर्सन के पास पूरा राइट है कि वो जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से उतना रिइंबर्समेंट ले सकता है. पर अब हमने कल डिस्कस किया था कि अगर उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई असेट्स ही नहीं है, उस केस में क्या होगा, फिर भी वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन पर्सनली लायबल नहीं होगा. सिमिलर सेक्शन हमारे पास अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर भी अप्लाई होता है. तो इसीलिए मैंने आपको बोला सेक्शन 11 के साथ आप सेक्शन 68 का बोलते हैं ना जोड़ा, वो लेके चलेंगे. फाइन. सो सेक्शन 68 में क्या बोला है, इफ नेसेसिटीज आर सप्लाइड टू द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो पर्सन है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देन द पर्सन हु सप्लाइड सच नेसेसिटीज कैन गेट रिइंबर्स्ड फ्रॉम द स्टेट और प्रॉपर्टी ऑफ सच अनसाउंड पर्सन. तो हमने कल सेक्शन 68 यानी कि नेसेसरी वाली पॉइंट से रिलेटेड एक केस डिस्कस किया था. तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट बॉक्स में वो केस लिखेंगे. फाइन. अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने भी एग्जाम्पल क्या है, मॉर्निंग में जो ये पर्सन था ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड फॉर्म अ रैशनल जजमेंट. तो अगर इस स्टेज पे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होगा, आपके पास वैलिड होगा, ठीक है. लेकिन इवनिंग में क्या हुआ, ड्रंक, ही इज ड्रंक नाउ, और अब वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो ये क्या हो गया, नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन है. अगर अब इस स्टेज के ऊपर जब ये ड्रंकन है, अगर इस स्टेज के ऊपर इसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. फाइन. सो ये क्या आपके लिए एग्जाम्पल था, ठीक है. आई होप सबने केस का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे ओनर्स ऑफ प्रूफ की. सो अगर किसी ने एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर दो तरह के प्रूफ बर्डन्स होते हैं. जो हमारा सेक्शन 101 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कभी भी शिफ्ट नहीं होता. मतलब जो पर्सन केस लेकर आया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना केस अपने फेवर में प्रूफ करे. हम इसमें अभी बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में जाएंगे तब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको बेस बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए एक थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा. फाइन. और जब हम बात करते हैं ओनर्स ऑफ प्रूफ की, दैट इज योर सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो जो सेक्शन 102 है वो हमें क्या बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, शिफ्ट्स, चेंज होता रहता है. अब किस किस चीज पे चेंज होता है वो तो जब हम एविडेंस एक्ट डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे. लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन अनसाउंड है या नहीं, उसके लिए हमें दो और एक्ट्स पे जाना पड़ता है. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड की. इंडियन पीनल कोड में क्या बताया है, सेक्शन 84. सेक्शन 84 बेसिकली जहाँ आपके जनरल एक्सेप्शन दे रखे हैं. जनरल एक्सेप्शन मतलब अगर आप उन केसेस के अंदर फॉल करते हैं तो आपको किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है. वहाँ आपको मिलती है इम्यूनिटी, ठीक है. अब सेक्शन 84 में क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का जिसने कोई एक्ट किया है, सो एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इसमें क्या होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. मतलब
उस टाइम पे जो पर्सन है, जो भी वो एक्ट कर रहा है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और उसका रीजन क्या है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो उस एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ये बताता है हमारे पास सेक्शन नंबर 84, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है हमको, इम्यूनिटी। अब जब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो ये हमको क्या बताता है कि भाई कोर्ट को सपने नहीं आ रहे कि भाई ये पर्सन जो था, इसकी उस टाइम मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं थी, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो ये प्रूफ करने का बर्डन किस पे है कि जो पर्सन है वो किससे सफर कर रहा है, अनसाउंडनेस से सफर कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी बनेगी एक्यूज्ड की, यानी कि जो पर्सन उस अनसाउंडनेस से सफर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये प्रूफ करे। तो ये हमें बताता है हमारा सेक्शन नंबर 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन आपके वो एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जो आईपीसी में दे रखे हैं, या किसी और लॉ के अंदर अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन दिया गया है और अगर आप उस एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं तो वहां पर भी एक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सो व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन इन द इंडियन पीनल कोड और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोविजो कंटेन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेम कोड और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस इज अपॉन हिम एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, ये सब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में डील करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप सेक्शन 84 में फॉल कर रहे हैं, आपने कोई ऑफेंस करा है लेकिन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से किया है, तो उसका बर्डन प्रूफ करने का किसके ऊपर रहेगा, उस पर्सन के ऊपर रहेगा जो अनसाउंड था, यानी कि एक्यूज्ड के ऊपर रहेगा सेक्शन 105 के अंदर। तो जब भी हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे तो उसमें हमें आईपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों को साथ में देखना है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल भी बता देती लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए ओनस ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन करके दोनों को साथ में लेके समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारे पास केस लॉ। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे लीडिंग केसेस एज सच कुछ नहीं है, बट इंग्लिश लॉ है, बट उसमें अभी हमें जाना नहीं है। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो केस आता है वो आता है चाकू एंड अदर्स वर्सेस महादेवन। तो इसमें क्या था, इसमें यही हेल्ड किया गया था कि अगर कोई पर्सन किसी भी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है तो उस केस के अंदर अगर उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर भी किया है तो वो वॉइड होगा। फाइन, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड बिकॉज वन और बोथ एंड और बोथ द पार्टीज वर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? ड्यू टू हिज मेंटल कैपेसिटी ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग गेटिंग एक्सट्रीमली अफेक्टेड बाय अल्कोहलिक साइकोसिस ट्रिगर्ड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल मोस्ट लाइकली कंस्पायर्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट। तो हो सकता है कि भाई होता है ना किसी किसी केस के अंदर कि जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए क्या करती है, उनको अल्कोहल दे देती है, जो हमने पढ़ा था इंटॉक्सिकेशन वाला। तो अगर उस सिचुएशन के अंदर अगर उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर दिया है तो वो इनवैलिड रहेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता था, वो उस टाइम कॉम्पिटेंट पार्टी था ही नहीं। फाइन, सो इसमें कोर्ट ने क्या फॉलो किया था, रेस इप्सा लॉक्यूटर एंड रूल्ड इन फेवर ऑफ द पेटिशनर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट वॉज हेल्ड दैट अ पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द सर्कमस्टांसिस एंड इवेलुएटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अग्रीमेंट दस बीइंग एंटर्ड इन टू कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो यहाँ पर क्या था, वही था जब उन्होंने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब वहाँ पर एल्कोहल की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से क्या हुआ था, एल्कोहलिक साइकोसिस हुआ था, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो पार्टी थी उस टाइम वो क्या थी, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थी। फाइन, सो ये हमारा लीडिंग केस रहता है चाको एंड अदर्स वर्सेस महादेवन में। सो आई होप आपको ये केस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फाइनली नाउ इट्स द प्रैक्टिस टाइम। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन अग्रीमेंट बाय अ हैवीली ड्रंक पर्सन हैज द सेम कॉन्सिक्वेंस एज दैट ऑफ अ मिस्टेकन अग्रीमेंट, अ मॉन्स अग्रीमेंट, अ गैंगस्टर अग्रीमेंट और अ माइनर अग्रीमेंट। अगर आपने आज और कल वाला लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो इसका जो एक आंसर है, मॉडल आंसर है,
वो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर भी अवेलेबल है। पर आंसर चेक करने से पहले आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद आप वहाँ से चेक करेंगे। इसी के साथ आपको और भी आज के टॉपिक से और पहले के सभी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। फाइन, इसी के साथ हमारा आता है मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो क्या बताता है हमें। अ पेशेंट इन अ लुनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। मतलब एक पेशेंट है जो कि लुनेटिक असाइलम में है और वो क्या होता है, कुछ कुछ इंटरवल्स में साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो उस इंटरवल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। तो अब आपको इस स्टेटमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रूव करना है। एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो मॉडल आंसर इसका हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल है। बट मॉडल आंसर पे आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना, सबसे पहले आप अपना क्लास रिवाइज करेंगे, इसके बाद अपना आंसर फ्रेम करेंगे एंड तब जाके आप अपना आंसर मॉडल आंसर के साथ कंपेयर करेंगे, ताकि आपको पता लगे आपने कौन से प्रोविजन या कौन से चीज़ों पे मिस आउट किया है। सो आई होप आज के दोनों होमवर्क के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे एंड डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी तरीके के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक से रिलेटेड क्विज एंड MCQs अवेलेबल हैं। सो डू प्रैक्टिस एंड आप हमारे साथ थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम कनेक्ट हो सकते हैं। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। So keep updated with us and study hard. Okay, so thank you so much. All the best. Meet you in next lecture.